हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल गाइड। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मैकेनिकल गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स के नेक्स्ट पार्ट की। इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, टॉप 15 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को मैंने ऐसे तैयार किया हुआ है जैसे आपको बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन आने वाले, उसी तरह से बिल्कुल मैंने इन क्वेश्चनों को आज तैयार किया हुआ है। तो फ्रेंड, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और फ्रेंड, कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि क्लास जो है वो कंटिन्यू की जाए, लगातार ली जाए। तो फ्रेंड, मैं आज से कोशिश करूँगा अप्लाइड मैकेनिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स की जो डेली क्लास लेने की कोशिश करूँगा आज से। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इंटीग्रेशन ब्रैकेट एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस फोर डी एक्स। फ्रेंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करा देंगे आपस में, और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए, जिसमें से एक ऑप्शन आपका सही है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस बारह एक्स प्लस सी। सेकेंड ऑप्शन आपको दे रहा है एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स बाई टू माइनस टेन एक्स प्लस सी। जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रहा है एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 12x प्लस सी। जो फोर्थ ऑप्शन दे रहा है एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 10x प्लस सी। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए, जिसमें से एक ऑप्शन आपका सही, जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वो सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 12x प्लस सी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स। फ्रेंड, इसी तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम पर मिलेंगे, और जो मैं क्वेश्चन आज बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पर मिलने वाले हैं। इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स, यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक ऑप्शन आपका सही है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है लॉग ब्रैकेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स। थर्ड ऑप्शन दे रहा है लॉग सेक एक्स माइनस टेन एक्स। जो आपका फोर्थ ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर वो लॉग टेन एक्स। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको देंगे, जिसमें से एक ऑप्शन आपका सही है। फ्रेंड, इसी सीधे सेक एक्स का जो फार्मूला आता है, तो आप फार्मूला उसको याद कर लीजिए, या फिर इसको आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। फ्रेंड, फार्मूला आप याद कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको इतना टाइम नहीं दिया जाने वाला है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आने वाले हैं अधिकतर। फ्रेंड, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आइलेट के रूल से पहले इसको व्यवस्थित कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैंने इंटीग्रेशन की जो है कुछ टिप्स बताई हुई हैं, एक इस टाइप के सॉल्वर भी टिप बताई, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा, उन टिप्स को आप देख सकते हैं, और आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सेकंडों पर सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। थर्ड ऑप्शन दे रहा है एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। फोर्थ ऑप्शन जो दे रहा है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन। फ्रेंड, ये फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, ये आपका पूरा का पूरा फार्मूला है, और फार्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आपको एग्जाम पर मिलने वाले हैं। ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन कोई आपको नहीं दिया जाएगा ना, कि आपका जो आप सवाल को सॉल्व करें तो आपका टाइम वेस्ट हो, ओनली ट्रिकी सवाल से आपको दिए जाने वाले हैं। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है बी नंबर वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है सी नंबर वन बाई टू लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। फोर्थ ऑप्शन दे रहा है वन बाई टू लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो फ्रेंड, यहाँ पर भी आपको चार ऑप्शन उसी तरह दिए गए, जिसमें से एक ऑप्शन आपका सही, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही है, वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, फाइव नंबर क्वेश्चन।
इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कॉस की पावर 9 एक्स डी एक्स फ्रेंड। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एक गोल्ड एग्जाम पे 100% मिलने वाला है। तो फ्रेंड जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन सारे गोल्ड एग्जाम पर मिलने वाले हैं। फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन है इसकी भी मैंने इंटीग्रेशन की जो ट्रिक बताई हुई है तो आप उस ट्रिक को जाकर देख सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है 128/315, सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है 315/128, और थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है 120/300, फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है डी नंबर 300/120। तो फ्रेंड यहाँ पर भी आपको चार ऑप्शन उसी तरह से दिए गए हुए हैं, लेकिन इनमें से भी आपका एक ऑप्शन से जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वो सही है 128/315। फ्रेंड इस क्वेश्चन की जो ट्रिक है वो आप ट्रिक जरूर से जाकर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर देखिएगा, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, सरल रेखा 4-x/2 बराबर y/6 बराबर 1-z/3 की दिक को जाए क्या होंगी। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन है गोल्ड एग्जाम पर मिलने ही वाला है। फ्रेंड यहाँ पर भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रेंड यहाँ पर एक फार्मूला होता है, पहले उससे हम इसकी तुलना कर लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है 2/7, 6/7, 3/7। नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है बी नंबर माइनस का 2/7, 6/7, -3/7। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है सी नंबर है -2/7, -6/7, -3/7। और जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ डिस। फ्रेंड इसमें भी आपको चार ऑप्शन से एक ऑप्शन सही है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर फ्रेंड्स इसको आपको पूरा कैसे सॉल्व किया जाएगा तो आप हमें कमेंट करके बताएं, अगर आपको इसको पूरा सोल्यूशन चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन का आपको अगर सोल्यूशन चाहिए आप हमें कमेंट कीजिए, उसका सोल्यूशन हम आपको करके देंगे। फ्रेंड इसमें भी आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। बाकी फ्रेंड मैं हिंट तो दे ही देता हूँ कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बाकी अगर आपको पूरा सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दें, मैं आपको सोल्यूशन दे दूँगा। जहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x/cos x dx। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए। फ्रेंड मैंने आपको बताया था अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं भी मिलते हैं तो आप आँख बंद करके इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर जो है π/4 लिख सकते हैं। 0 से π/2 का लिमिट आपको दिख जाए और जो इसमें पावर लगी होती है जैसे sin x/cos x जो है सवाल, इसमें पावर देख लीजिए सब में 1 पावर है, मतलब सबकी पावर समान है। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आप उसकी जो है आंसर डायरेक्ट 5/4 आग बंद करके लिख सकते हैं, आपका गलत नहीं होने वाला है। फिर यहाँ पर भी आपको चार ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है 5/4, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है बी नंबर जो है 5/2, थर्ड ऑप्शन दे रहा है 5/6, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है 5/8। फिर इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है 5/4। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर, केंद्र मूल बिंदु पर है तथा त्रिज्या 6 है, वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। फ्रेंड केंद्र बोला गया इस क्वेश्चन में, जो वृत्त का क्वेश्चन है, केंद्र जो है आपका मूल बिंदु, मूल बिंदु का मतलब होता है 0,0। फ्रेंड्स के जो केंद्र होगा वो 0,0 होगा, और फ्रेंड यहाँ पर जो त्रिज्या दी गई है वो 6 दी गई हुई है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर जो हमारा वृत्त का समीकरण होता है वो होता है x-h2+y-k2 बराबर त्रिज्या, मतलब ए स्क्वायर लिख दिए या फिर आप आर स्क्वायर लिख दिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर जब हम एच की और के की जगह 0,0 रख देंगे और हम यहाँ पर आर की जगह पर 6 रख देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर और यहाँ पर आपको उसी तरह चार ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है x²+y² = 36, नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है x²-y² = 36, थर्ड ऑप्शन दे रहा है x²+y² = 0, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है h²+k² = 36। तो फ्रेंड यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है x²+hy² = 36, क्योंकि जो इसका केंद्र है वो 0,0 है, तो एच और के जो मान होंगे वो 0 हो गए, यहाँ पर बचेगा क्या x²+y² = 36। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको गोल्ड एग्जाम पर मिलने ही वाला है। वृत्त के केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करो। फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपको वृत्त एक समीकरण दिया गया हुआ है जिसका बोला गया इसमें आपको केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी है, x-2² + y-3² = 16। फ्रेंड इसमें आपको केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी है वृत्त की। तो फ्रेंड देखिए वृत्त के केंद्र क्या होता है, जो वृत्त का केंद्र होता है h, k होता है, तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या है 2 है और k की वैल्यू क्या है 3 है, और जो फ्रेंड त्रिज्या है
त्रिज्या यहाँ पर 16 है क्योंकि त्रिज्या स्क्वायर पे होती है, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है 2, 4, ये केंद्र है और ये त्रिज्या है 4। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है 2, 3, केंद्र और 2 त्रिज्या दे रहा है। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका सी नंबर दे रहा है 3, 5 और 4। नेक्स्ट ऑप्शन जो डी नंबर है 2, 3, 4। तो फ्रेंड इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। देखिए इसका जो केंद्र है 2, 3 और जो इसकी त्रिज्या होगी वो होगी 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सारे हैं, उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करो जिसकी भुजाओं के मध्य बिंदु ए 4, 6, -2, B 8, -2, 6 तथा 6, 2, -1 है। तो फ्रेंड जो हमारा ये इसमें बोला गया त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करो, केंद्रक ज्ञात करने का हमारा फार्मूला होता है, यहाँ पर आपको 3 बिंदु दिए हैं। केंद्रक ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है x1 + x2 + x3 / 3, इसी तरह y1 + y2 + y3 / 3, इसी तरह z1 + z2 + z3 / 3। तो फ्रेंड इस फार्मूले को हम लगाकर इन सबकी वैल्यू रख देंगे और इसका जो है आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें से आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है -6, 2, -1। तो नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है बी नंबर 3, 2, 1। यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन दे रहा है 2, 6, 1। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आपको दे रहा है 6, 2, 1। फ्रेंड जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है वो सही है। फ्रेंड मैंने इसका पूरा हिंट दे दिया, आपको फार्मूला भी बता दिया कैसे करना, बस आपको वैल्यू रखनी है और आंसर आपका आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है 6, 2, 1 वो सही है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको इस टाइप का एक या दो क्वेश्चन तो मिलने ही वाला है क्योंकि आपको एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन आने हैं, तो ज़्यादा लेंथी सवाल नहीं आने वाले हैं, फार्मूले बेस्ड आएंगे। तो फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको एक या दो क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। इस अष्टक का नाम बताओ जिसमें बिंदु 6, 4, -3 स्थित है। फ्रेंड आपने कोऑर्डिनेट तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड मतलब कि जैसे अगर माइनस होगा, -6, -4, -3 होता, तो सारे xyz माइनस में हो जाते हैं, उसी तरह का है ये क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है OX1 X'Y'Z। फ्रेंड यहाँ पर डैश का जो मतलब है ये माइनस है, कोऑर्डिनेट आपने वो पढ़े हैं ना जो। फ्रेंड्स एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको, फ्रेंड जो इधर होता था x होता था और ये y होता था, ये y डैश होता था, ये z होता था, इधर रहता था तो पॉजिटिव रहता था, इधर ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होता था, इधर नीचे की तरफ y निगेटिव होता था, इधर जो x होता था वो निगेटिव होता था, ऐसे ये भी है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है OX'Y'Z, बी नंबर ऑप्शन दे रहा है OX'Y'Z, सी नंबर ऑप्शन दे रहा है OX'Y'Z, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है डी नंबर OX'Y'Z। तो फ्रेंड इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप बता सकते हैं कौन सा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ -3 पर लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका आपका बी होगा वो सही होगा, क्योंकि जब माइनस सिर्फ जेड वाले पे है तो जेड पर ही डैश आएगा OX'Y'Z, ये आपका ऑप्शन सही है। ऐसा क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको बता रहा हूँ मैं, एक से दो क्वेश्चन मिलने वाला है। तो फ्रेंड आप क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और फ्रेंड्स मैं आपके लिए जिन स्टूडेंट की तैयारी नहीं हो पा रही है वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आप मेरे चैनल पर अगर हैं, जिन्होंने स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मैं गारंटी लेता हूँ मैं उनकी मैथ है जो क्लियर करा दूँगा। जब आपके पेपर से कुछ टाइम पहले मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप मैथ आसानी से आपकी निकल जाएगी। समतलों 2x + y - 2z + 6 = 0 तथा 2x - 3y + 6z + 18 = 0 के बीच का न्यून कोण ज्ञात करो। फ्रेंड्स इसमें बोला गया है, यहाँ पर आपको दो समतल दिए गए और बोला गया इनके बीच का कोण ज्ञात करो। फ्रेंड जो आपको बीच का कोण का ज्ञात करने का फार्मूला होता है cos θ = a1a2 + b1b2 + c1c2 / a1 का² + b1 का² + b2 का² + c2 का². फ्रेंड इस फार्मूले को हम लगा देंगे और आपके जो इसका बीच का कोण पूछा गया वो आसानी से निकल आएगा। फ्रेंड यहाँ पर आपको उसी तरह 4 ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है sin inverse 13/21, नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है बी नंबर cos inverse
13 बटे 21, और यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन दे रहा है कॉस इनवर्स 21 बटे 13, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है कॉस इनवर्स माइनस का 13 बटे 21। तो फ्रेंड इसमें भी आपका एक ऑप्शन सही है, जो फ्रेंड्स आपका बी नंबर ऑप्शन है वो सही है, कॉस इनवर्स 13 बटे 21। फ्रेंड जो मैंने फार्मूला बताया आप उस फार्मूले को लगाइएगा और तुरंत आंसर आपका आ जाएगा। इसमें बोला गया थीटा का मान निकालने के लिए सीधे सीधे बोला गया है बीच का कोण। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 13 नंबर जो क्वेश्चन है, वृत्त का केंद्र एच कामा के हो तो तथा यह एक्स एच को स्पर्श करती है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। फ्रेंड देखिए इसमें बोला गया जब वृत्त का केंद्र एच कामा के होगा, ठीक है, और वो एक्स एच को स्पर्श कर रही है तो उसकी त्रिज्या एक्स एच को स्पर्श करेगी तो एच वाला हमारा जीरो हो जाएगा। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है एच, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है के, थर्ड ऑप्शन दे रहा है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन आपको दे रहा है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो के है वो सही है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, यदि वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो हो तो इसका केंद्र होगा। फ्रेंड जो वृत्त का व्यापक समीकरण होता है उसके केंद्र आप लोगों को पता होगा एच कामा के बराबर माइनस जी कामा माइनस एफ होता है, वृत्त का केंद्र होते हैं वो, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप पूछ रहे हैं चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है जी कामा एफ, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है बी नंबर माइनस जी कामा माइनस एफ, थर्ड ऑप्शन दे रहा है 1/2g, 1/2f, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है माइनस का 1/2g, -1/2f। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 15 नंबर जो क्वेश्चन, फ्रेंड ये क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंटीग्रेशन टैन इनवर्स एक्स डी एक्स फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है। फ्रेंड्स देखिए पहले बात कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। फ्रेंड जो टेन स्क्वायर एक्स यहाँ पर लिखा है तो टेन स्क्वायर एक्स हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है फ्रेंड। तो उसके बाद इसको हम जब सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख देंगे और उसके बाद इसका नॉर्मली से इंटीग्रेशन कर देंगे, हो गया इसका आंसर कितना ईजी था, ऐसे ही आप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रहा है टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सी, थर्ड ऑप्शन दे रहा है सेक एक्स प्लस सी, और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड इनमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। फ्रेंड अगर वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें अपने, ताकि उनकी भी ऐसी हेल्प हो सके। फ्रेंड मैं आप कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ।